हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। मैं अथर्व, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा सफारी के बारे में। तो ये है टाटा सफारी का स्पेशल एडिशन जो है गोल्ड एडिशन। तो इसमें टाटा ने कई सारी चेंजेस किए इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों में, तो उसी चेंजेस के बारे में हम बात करने वाले आज के इस वीडियो में। बाहर की तरफ तो बहुत सारे कॉस्मेटिक चेंजेस है, पर अंदर काफी ज्यादा फीचर्स ऐड किए हैं। तो ये गोल्ड वेरिएंट इसके टॉप मॉडल XZ प्लस वेरिएंट पे बेस है, तो आपको सब फीचर्स मिलते हैं प्लस सम एक्स्ट्रा फीचर्स जो मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसमें आपको दो कलर्स आते हैं, एक ब्लैक और एक व्हाइट। उसी में दोनों में आपको गोल्ड कलर के एक्सेंट्स मिलते हैं। तो आज बात करते हैं इसकी ब्लैक कलर के बारे में। तो ये पूरी लेंथ है इस कार की सेम सफारी गोल्ड एडिशन में, कुछ वैसा फर्क तो नहीं आया है, पर जो फीचर चेंजेस आए तो वो उसी के बारे में अब बात करते हैं। तो और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ऐसी कुछ आपको की मिलती है जो टियागो से लेकर सफारी तक सेम की मिलती है। उसमें आपको लॉक अनलॉक का बटन मिलता है, और लॉक अनलॉक करने पे ORVM फोल्ड अनफोल्ड दोनों होते हैं, और इसके साथ आपको वेलकम फंक्शन भी मिलता है। सेकंड बटन का आते हैं तो इससे आप बूट अनलॉक कर सकते हैं। और इसका अगर आप फोर्थ बटन देखते हैं तो इसके फॉलो में हेडलैम्प चालू होते हैं, जिसमें इसके LED लाइट्स और DRL दोनों चालू होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट फेसिया से, तो क्या आपको इसमें चेंजेस आते हैं। तो इसके हेडलैम्प्स आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको इसके मिलते हैं DRLs जो इंडिकेटर्स का भी काम करते हैं, वो मैं भी आपको ब्लिंक करके बताता हूँ। तो ऐसे कुछ इसके DRLs और इंडिकेटर्स इसी में इंटीग्रेटेड आपको मिलते हैं। और नीचे आप देखते हैं तो नीचे आपको इसकी पूरी हेडलाइट की यूनिट मिलती है, जिसमें लो बीम के लिए LED और हाई बीम के लिए आपको हैलोजन का प्रोजेक्टर दिया गया है, जो एक डिसअपॉइंटिंग बात है क्योंकि फुल आपको LED सेटअप नहीं मिलता। गोल्ड कलर के एक्सेंट्स दिए गए उसके अराउंड, और काफी बड़ी आपको ये हेडलाइट यूनिट मिलती है। अगर बात करते हैं इसकी ग्रिल की, तो यहाँ पे आपको मिलता है इसका ट्राई एरो स्टार का गोल्डन का पैटर्न, जो काफी अच्छा लगता है। टाटा का लोगो भी आप देख रहे हैं तो वो भी आपको गोल्ड कलर में फिनिश किया गया मिलेगा। इसकी ह्यूमैनिटी लाइन भी आपको मिलती है गोल्ड फिनिश में, जो इसे काफी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करती है और इसे काफी ज्यादा खूबसूरत बनाती है। सो ग्राउंड क्लीयरेंस की अगर बात करते हैं तो वो SUV है, तो इसमें जरूर आपको अच्छा मिलता है जो है 205 mm का। अब बात करते हैं सफारी के साइड प्रोफाइल के बारे में। तो ORVM पे ही आपको इसके मिलते हैं LED टर्न इंडिकेटर्स, और यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको गोल्ड एक्सेंट में मिलते हैं इसके डोर हैंडल। और टाटा के बारे में एक और अच्छी बात जो है वो आपको पैसेंजर साइड में भी मिलता है इसका रिक्वेस्ट सेंसर। पीछे आप देख रहे हैं सेम ट्रीटमेंट, और ये इसके क्वार्टर ग्लास, और ये ऊपर आप देख रहे हैं इसके रूफ रेल, जो इसे एक अलग लुक देता है हैरियर के मुकाबले, और काफी सही दिख रहा है ये जो इसमें गोल्ड एक्सेंट्स दिए हैं, ये जो एक काफी अच्छी चीज है इसके बारे में। और ये एक कलर के बारे में बात करूँ तो ये फुल ब्लैक नहीं है, इसमें भी आपको एक गोल्ड एक्सेंट्स मिलते हैं। तो अगर आप ये ध्यान से देख रहे हैं कलर, तो यहाँ पे देख रहे हैं तो गोल्ड कलर की आपको इसमें शाइनिंग मिलती है। तो बात करते हैं इसके टायर के बारे में, तो टायर की साइज भी इसे चेंज कर दी गई है। जो नॉर्मल सफारी में 17 इंचेस आते हैं, इसमें आपको चारकोल ब्लैक कलर में मिलते हैं, और वो है 18 इंचेस के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी साइज जो दी गई है, तो ये काफी बड़ा एक चेंज है जो 18 इंचेस के आपको इसमें टायर्स मिलते हैं, जो पर्सोना एडिशन और इसमें ही आपको मिलेंगे। और रियर डिस्क आपको इसमें प्रोवाइड करी गई है, जो आपको हैरियर में नहीं मिलती। ये काफी एक अच्छा फीचर है जहाँ पे आपको चारों डिस्क ब्रेक मिलती है, आपको ब्रेकिंग परफॉर्मेंस काफी अच्छी मिलेगी। अब बढ़ते हैं इसके रियर प्रोफाइल में। अब रियर प्रोफाइल में क्या चेंजेस है, तो रियर प्रोफाइल में भी कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, आपको सिर्फ बैजिंग का चेंज मिलेगा, जो आपको गोल्ड कलर में फिनिश मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी LED लाइट, जो इसे काफी यूनिक बना देते हैं। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका रिवर्स पार्किंग कैमरा। सफारी की बैजिंग गोल्ड में फिनिश की गई है, जो एक काफी अच्छा लुक दे रही है इस कार को और कॉम्प्लीमेंट करती है। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इसके चार रिवर्स पार्किंग सेंसर्स और ब्लैक कलर की स्किड प्लेट, और स्पेयर टायर आपको इसके अंडर बॉडी मिलता है। लेफ्ट साइड में अगर आप जाते हैं तो इसका है एग्जॉस्ट, जो आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा, और स्पेयर टायर भी आप यहीं से एक्सेस कर सकते हैं। LED लाइट दी गई है लाइसेंस प्लेट के लिए। और बूट ओपन करके देखते हैं तो इस सेगमेंट में इसका बूट सबसे कम है, जब तीनों रो अप रहते हैं सिर्फ 74 लीटर्स का। इस सेगमेंट में आपको अल्काज़ार का सबसे बड़ा बूट मिलता है तीनों रो ऑफ होने के बाद, पर ये सीट आप 50-50 स्प्लिट कर सकते हैं अपनी बूट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। और यहाँ पे आप जो दी गई है इसके कप होल्डर्स और AC के कंट्रोल्स, और कुछ ऐसा दिखता है इसका पूरा इंटीरियर। वाइट सीट्स का आपको इसका पूरा इंटीरियर मिलता है, जो काफी एयरी फीलिंग देता है। ग्रैब हैंडल दिया जाता है आपको इसका बूट बंद करने के लिए। और अब देखते हैं इसके फ्रंट में आपको जो इम्पोर्टेंट चेंजेस मिलते हैं वो क्या है, कैसे है, क्योंकि काफी मेजर चेंज किए हैं टाटा ने इस बार इसके इंटीरियर में, इसे कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए।
तो अब बात करते हैं टाटा सफारी गोल्ड एडिशन के इंटीरियर्स के बारे में। तो ये बेस्ड है इसके टॉप मॉडल एक्जी प्लस पे। तो फीचर्स के बारे में इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं है, पर थोड़े से है चेंजेस जो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो स्टार्ट करते हैं राइट से। तो यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक ही दी गई है, कोई सॉफ्ट टच नहीं है, पर यहाँ मगर आपको ऑलमोस्ट एक थोड़ा सा सॉफ्ट टच मिलेगा। चारों पावर विंडो के स्विच, और ये आप देख रहे हैं ये इसका हैंडल, वो भी आपको गोल्ड फिनिश में मिलता है। प्लस इसके अंदर आपको LED लाइट्स मिलेंगी। ये जो ग्रैब हैंडल है काफ़ी सॉलिड टू होल्ड लगता है और काफ़ी मजबूत लगता है। ये ORVMs जो आप इलेक्ट्रिकली फोल्ड अनफोल्ड और इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसके स्विच दिए गए हैं। इसमें आपको 9 स्पीकर का JBL का सिस्टम आता है स्पीकर्स का, म्यूज़िक सिस्टम के साथ जो इंफोटेनमेंट पैनल है उसी के साथ जो पेयर्ड है। और बात करते हैं चेंजेस की, तो यहाँ पे आप देख रहे थे AC वेंट्स के अराउंड आपको गोल्ड एक्सेंट्स, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अराउंड गोल्ड एक्सेंट्स मिलेंगे। और जो सबसे बड़ा चेंज है वो है इसका ये बोर्ड, मतलब डैशबोर्ड पे ये डिज़ाइन आप देख रहे हैं। यहाँ पे आपको जो ट्रीटमेंट मिल रही है वो सबसे अलग है, ये सिर्फ ये मॉडल को ही मतलब लिमिटेड है। आप देख रहे हैं ब्लैक कलर पे आपको एक गोल्ड कलर के कुछ लाइंस मिल रहे हैं जो काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं, इस कार को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और वहाँ पर भी देख रहे हैं गोल्ड कलर एक्सेंट्स की आपको AC वेंट मिलेंगे प्लस डोर हैंडल्स। जो सेकेंड चेंज आया है वो है इसकी सीट्स। अगर आप पर्सोना एडिशन या टॉप मॉडल लेते तो उसमें आपको एक्चुअली वेंटिलेटेड सीट्स नहीं आते, पर ये सीट्स आपको वेंटिलेटेड मिलती है टाटा सफारी गोल्ड एडिशन में। और एक बात, अगर आप 7 सीटर लेते हैं तो पीछे की सीट्स आपको वेंटिलेशन फंक्शन के साथ नहीं आते, सिर्फ फ्रंट आते हैं। अगर ये 6 सीटर होती तो पीछे के सीट्स जो रियर सीट्स है उधर भी आपको वेंटिलेशन का फंक्शन मिलता। जो वेंटिलेशन का बटन है वो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देखिए, अगर मैं इधर से ही स्टार्ट कर सकता हूँ। और ये सीट जो है वो आपको पावर एडजस्टेबल मिलती है, ये देखिए आगे पीछे और ऊपर नीचे। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हम देख रहे हैं इसका, ये गियर बॉक्स जो 6 स्पीड सोर्स्ड है Hyundai से, ये 6 स्पीड टॉक कन्वर्टर है पेयर्ड विद 2 लीटर डीजल। डीजल इंजन के बारे में अगर बताऊँ तो वो सेम है जो कंपस और MG हेक्टर में आता है, 2 लीटर वाला, जो 170 BHP और 350 Nm का टॉर्क आपको प्रोवाइड करेगा। ऊपर की सनवाइजर की अगर बात करूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं, बीच में आपको LED लाइट दी गई है। और यहाँ पे देख रहे हैं सनरूफ के कंट्रोल्स, 3 इंडिविजुअल बटन से कंट्रोल करने के लिए, इसे आप ये क्लोज कर सकते हैं ये बटन से। और ये काफ़ी बड़ी पैनोरामिक सनरूफ है जो एक्चुअली एक्सपीरियंस को काफ़ी अपलिफ्ट करते हैं। तीनों बटन दिए गए इसके कंट्रोल के लिए। लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको मिरर मिलेगा विथ लाइट्स, ये काफ़ी अच्छा टच। नीचे आते तो यहाँ पे आपको यहाँ पे इसका मिलता है इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर जो आप यहाँ पे ऑन और ऑफ कर सकते हैं यहीं से। और ये है इसका इंफोटेनमेंट पैनल जो अभी आ रहे हैं उससे थोड़ा कम छोटा, मतलब थोड़ा कम साइज़ का लगता है। और ये हॉरिजॉन्टल है इसलिए बहुत जनों को पसंद नहीं है। सेकंड, इसका सॉफ्टवेयर है जो थोड़ा गेमिकी लगता है, पर ठीक है। मैं अभी आपको इसकी ऑडियो सिस्टम सुनाता हूँ। यहाँ पे देखिए साउंड डेमो और ट्रैक 2। तो ऐसा कुछ इसका साउंड सिस्टम है। 9 स्पीकर का आपको JBL का सिस्टम मिलेगा। और यहाँ पे आपको पार्क असिस्ट में मिलेगा। पर ये देखिए ये स्क्रीन हॉरिजॉन्टल है इसलिए आपको देख रहे हैं आपको एक डिसएडवांटेज है, काफ़ी कम व्यू मिलता है इतनी काफ़ी बड़ी गाड़ी को। और इसको तो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी नहीं आते, तो पार्किंग करने के लिए सिटी में काफ़ी आप परेशान हो सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका वाइड एंगल मिलता है, पर वाइड एंगल से भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। यहीं से आप एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब बजा, मतलब सब कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको वॉट 3 वर्ड्स, और जो और एक चेंज मैं बताना आपको भूल गया तो वो था इसका एयर प्यूरीफायर आपको इस कार में मिलने लगा है अब गोल्ड एडिशन के साथ ही। यहाँ पे आपको मिलते हैं इसके फिजिकल कंट्रोल्स, AC के वेंट्स, और यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको मोड्स मिलते हैं, इकोनॉमिक, ड्राइव मोड और स्पोर्ट्स मोड। तो यहाँ पे आप ये कंट्रोल कर सकते हैं हैजार्ड लाइट स्विच, और यहाँ पे इसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट जोन। यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका वायरलेस चार्जर जो फर्स्ट टाइम एक टाटा कार में आपको दिया गया है। और यहाँ पे आपको इसके मिलते हैं 3 मोड्स जो इसके साथ आते हैं, यहीं से आप चेंज कर सकते हैं। और अपनी यहीं से आप ये चेंज कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड में अगर देख रहे हैं तो ट्रैक्शन कंट्रोल का आपको बटन मिलेगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आपको मिलता है इसका हिल डिसेंट कंट्रोल, मतलब अगर आप स्लोप जा रहे हैं तो वो कंट्रोल करता है नीचे जाना। इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन काफ़ी खूबसूरत ट्रायरो स्टार डिज़ाइन के साथ।
और ये है इसका डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, जहाँ पे हैरियर में आपको मैनुअल हैंड ब्रेक मिलती है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक पावर हैंड ब्रेक मिलती है ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ, दो कप होल्डर्स। ये है इसका बड़ा सा हैंड रेस्ट, और इसे ओपन करने के लिए आपको ये प्रेस करना पड़ेगा और ओपन करना पड़ेगा, और काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे स्पेस मिलेगा। 12V का चार्जिंग सॉकेट, दो USB के पोर्ट है, और स्पेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे आपको इसमें बॉस मोड मिलता है, पीछे का पैसेंजर आपकी सीट आगे कर सकता है और अपने लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस बचा सकता है। और नेक्स्ट चीज़ इसके स्टेयरिंग व्हील आपको दोनों हाइट और रीच एडजस्टेबल दोनों मिलता है, रीच और रेक के लिए। मैं पहले सीट आगे करता हूँ। यहाँ पे आपको मिलेगा इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो राइट में आपको स्पीडो, और यहाँ पे आपको स्क्रीन दी गई है टैकोमीटर के साथ, 6000 तक मार्किंग। इसमें डीजल आपको इसका इंजन आता है, और पार्क ऑटो सब वही से आप कंट्रोल कर सकते हैं। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, और आपको यहाँ पे ऑटो वाइपर्स दिए गए हैं। स्टेयरिंग व्हील की अगर बात करूँ तो गोल्ड एडिशन का आपको गोल्ड कलर का टाटा का लोगो मिलेगा। यहाँ पे आपको इसके मिलते हैं बटन्स, यहाँ पे देख रहे हैं आप, बटन्स आपको मिलते हैं इसकी इंफोटेनमेंट पैनल को कंट्रोल करने के लिए। और आपको दो एयरबैग्स मिलते हैं इसमें सेफ्टी के लिए, और काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है ये कार, टाटा की हर कार एक्चुअली सेफ़ है। तो स्टेयरिंग व्हील आपको डी कट नहीं मिलेगा, पर आपको फुल राउंड सर्कल का मिलता है, और ये आपको हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं, जो हाई स्पीड पे काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहती है। तो यही थे इसके फीचर्स टाटा सफारी गोल्ड एडिशन के। तो एक्चुअली इसकी प्राइस थोड़ी महंगी कर दी है, और ये इसके फीचर्स भी थोड़े बड़े हैं, जो आपको नॉर्मल सफारी में नहीं मिलते। पर अगर आप वो फीचर्स, मतलब जो वेंटिलेटेड सीट, एयर प्यूरीफायर और एक गोल्ड एक्सेंट के बिना रह सकते हैं, तो जस्ट गो फॉर द नॉर्मल सफारी, दैट मेक्स मच मोर सेंस। और यहाँ पे आपको इसका मिलता है पुश स्टार्ट स्टॉप बटन। तो अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग की अगर बात करूँ तो ये इसकी ऑलमोस्ट प्राइस आपको 22 लाख एक्स शोरूम, और इसी की आपको ऑन रोड प्राइस 26.5 लाख की आपको ऑन रोड पड़ती है। ऑन रोड मुंबई की बात कर रहा हूँ मैं, तो नॉर्मल सफारी से कई ज़्यादा महंगी होती है। पर अगर आपको इसका इंजन से काम है तो आप जस्ट गो फॉर द नॉर्मल सफारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।